अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जिया और वेलकम करता हूं आपको यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, मेरी काफ़ी वीडियोस आ चुकी हैं केमिकल्स पेस्टिसाइड्स पे और उसमें फंजीसाइड्स भी हैं, हर्बिसाइड्स भी। तो आज मैंने सोचा कि क्यों ना एक वीडियो बनाई जाए माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पे, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। दो तरह के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, एक मैक्रो भी होते हैं और माइक्रो भी। तो उनके ऊपर आज मैंने वीडियो बनाने का सोचा। तो हम स्टार्ट करते हैं। बेसिकली प्लांट्स को अपनी ग्रोथ कंप्लीट करने के लिए तकरीबन 17 ऐसे एसेंशियल एलिमेंट्स की ज़रूरत होती है जो कि उसकी ग्रोथ में हेल्प करते हैं। तो डिफरेंट तरह के एलिमेंट्स होते हैं जिनमें कार्बन, नाइट्रोजन, इसके अलावा पोटाशियम, सल्फर, तो ये टोटल मिला के तकरीबन 17 बन जाते हैं। दोस्तों, इन 17 एलिमेंट्स, इनको हम न्यूट्रिएंट्स भी कहते हैं। इन न्यूट्रिएंट्स में तीन कैटेगरी होती हैं। तो इनको तीन तरह से डिवाइड किया गया है और इनको डिवाइड करने का मकसद भी एक ये है कि वहाँ बताया गया है कि प्लांट्स को कौन सा न्यूट्रिएंट्स कितना चाहिए होता है, तो इसलिए इनको इनकी डिवीजन की गई है। ये मेरे पास आप कुछ ये देख रहे हैं प्रोडक्ट, इसमें मैक्रो माइक्रो दोनों न्यूट्रिएंट्स हैं। एक ये है हेडलैंड मल्टी, तो इसमें भी डिफरेंट तरह के माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। आप लोग मार्केट में देखते होंगे कि इस तरह के आपको काफ़ी सारी वैरायटी मिल जाती है इन प्रोडक्ट की, जिनके अंदर डिफरेंट तरह के माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। एक ये प्रोडक्ट है हाइफोस के नाम से। तो ये सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि प्लांट्स को रिक्वायर्ड होते हैं अपनी ग्रोथ कंप्लीट करने के लिए। अगर इनमें से कुछ न्यूट्रिएंट्स नहीं होते अवेलेबल तो फिर प्लांट्स को प्रॉब्लम होती है। तो दोस्तों, इन 17 एलिमेंट्स को जैसे मैंने पहले ही बताया कि तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। जो पहली कैटेगरी है उसमें जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो या तो पानी से या हवा से या दोनों तरह से पौधा हासिल करता है, मतलब इनका ताल्लुक सॉइल से नहीं होता। उसमें एक कार्बन है, एक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, अगर इनमें से कोई एलिमेंट्स एब्सेंट होता है तो वहाँ प्लांट की ग्रोथ जो है सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है। तो ये जो एलिमेंट्स हैं आप या न्यूट्रिएंट्स कह सकते हैं, ये आपको मार्केट में अवेलेबल नहीं होते, ये वाटर से या एयर से प्लांट खुद ही हासिल करता है। और इनको इसलिए किसी भी प्रोडक्ट में या फर्टिलाइजर में इनको नहीं बेचा जाता। दोस्तों, ये तो हो गए तीन एलिमेंट। अब तीन जब निकालेंगे 17 में से तो बाकी बच जाते हैं 14। अब ये जो 14 एलिमेंट है इनको भी दो ग्रुप में डिवाइड किया गया है। इनमें से एक ग्रुप जो है उसको कहते हैं सॉइल ड्राइव मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, और जो सेकंड है वो सॉइल ड्राइव माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, मतलब मैक्रो और माइक्रो का फर्क है। तो अगर हम बात करें मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की, जो सॉइल से हासिल होते हैं, उनमें नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, कैल्शियम और मैग्नीशियम। तो ये जो एलिमेंट्स हैं ये मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं। अच्छा, इनको मैक्रो और माइक्रो का जो डिफरेंस है वो ये है कि मैक्रो न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स को ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए होते हैं और माइक्रो कम क्वांटिटी में। इनका मेन अपना सिंपल सा डिफरेंस ये है, मैक्रो ज़्यादा क्वांटिटी में और माइक्रो कम क्वांटिटी में चाहिए होते हैं। दोस्तों, इसका जो जो दूसरा पार्ट है जो सॉइल ड्राइव माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, अगर हम उनकी बात करें तो उसमें जो सबसे पहले आ जाता है वो है बोरोन, क्लोरीन, कॉपर, आयरन, मैग्नीस, मोलिब्डियम, निकिल और जिंक। तो ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं और ये प्लांट्स को एक कम मिकदार में चाहिए होती हैं अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए। दोस्तों, अगर हम मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात करें तो जो कि मैंने पहले बताया कि हाई कंसंट्रेशन में चाहिए होते हैं, तो इनकी जो अगर हम बात करें कि पर एकड़ में कितना मैक्रो न्यूट्रिएंट्स चाहिए होता है प्लांट्स को ग्रो करने के लिए, तो तकरीबन पर ईयर 20 पाउंड्स, मतलब कि 20 पाउंड्स एक एकड़ में इसकी नीड होती है प्लांट्स को ग्रो करने के लिए। और वहीं अगर हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात करें तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स तकरीबन 1 से 2 पाउंड पर एकड़ जो सॉइल है वहाँ पे रिक्वायर्ड होते हैं प्लांट्स को सक्सेसफुल ग्रोथ के लिए।
तो ये तो माइक्रो और मैक्रो का डिफरेंस था। और ये मेरे पास कुछ प्रोडक्ट हैं, ये हेडलैंड मल्टी के नाम से है, ये आपको मैं जूम करके दिखाता हूँ कि इसमें जो है न्यूट्रिएंट्स, जिनमें बोरॉन, कॉपर, मैग्नीज और जिंक, ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। तो आपको मार्केट में कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स भी मिल जाते हैं जो कि जस्ट जिनके अंदर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, और कुछ प्रोडक्ट ऐसे भी मिलते हैं जैसे कि ये है, ये आपको उसकी नज़र भी आ रहा है, ये एक पैक है, कंप्लीट पैक, जिसके अंदर तकरीबन सारे ही न्यूट्रिएंट्स आपको अवेलेबल है। इसका नाम है ग्रोमोर। तो इस तरह के आपको काफी सारे प्रोडक्ट मार्केट में मिल जाएंगे, लेकिन आपने कोशिश ये करनी है कि हमेशा अच्छे ब्रांड का केमिकल लेना है, ताकि आपके प्लांट्स की जो ग्रोथ है उस पर कोई इफेक्ट ना पड़े और ग्रोथ भी अच्छी हो और आपका पैसा भी ज़ाया ना हो। दोस्तों, पेस्टिसाइड की तरह इनके भी अलग अलग डोजेज होती हैं, वो हर प्रोडक्ट के ऊपर आपको लिखी हुई मिल जाएगी। तो ये आपके लिए ज़रूरी होता है कि जब भी प्लांट्स का कोई कलर चेंज होता है या कुछ इस तरह का प्रॉब्लम आता है, तो हम फौरन से मार्केट से प्रोडक्ट लेकर उसमें यूज़ करते हैं। अलग ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें सबसे पहले देखना चाहिए कि कौन से एलिमेंट की कमी है हमारे प्लांट्स में, और वही यूज़ करना चाहिए। और सिंपल सा तरीका यह है कि अगर आप मुझसे पूछे तो मैं यही बताऊंगा आपको कि आप हमेशा जो मैक्रो न्यूट्रेंट्स हैं उन्हीं की ही क्वांटिटी आप प्लांट्स को दिया करें, ज़्यादा क्वांटिटी उनको चाहिए होती है। अगर कोई माइक्रो न्यूट्रेंट्स नहीं भी होता तो प्लांट्स जो है अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट कर लेता है। हाँ, अगर मैक्रो न्यूट्रेंट्स की किसी कमी हो जाती है तो फिर प्लांट्स के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। दोस्तों, इसके अलावा मैक्रो या माइक्रो न्यूट्रेंट से रिलेटेड आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन होता है तो आप वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपको उसका आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।